हेलो दोस्तों, डॉग जंक्शन में आप लोगों का स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मिनिएचर पिंचर। मिनिएचर पिंचर एक ऐसी डॉग ब्रीड है जो कि दिखने में बिल्कुल डोबरमैन का मिनिएचर वर्जन है। कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी, कई लोगों को नहीं आएगी, लेकिन आज हम इसी डॉग ब्रीड के बारे में बात करेंगे, जिससे कि अगर आप लोग लेने में इंटरेस्टेड हो तो आप लोग जान सकते हो इस डॉग ब्रीड के बारे में सब चीज़ें। फिर आप डिसाइड कर लेना कि यह डॉग ब्रीड आपके लिए सूटेबल रहेगी भी या नहीं रहेगी। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये डॉग ब्रीड इंटेलिजेंट होती है, क्योंकि काफ़ी लोगों को इस चीज़ की रिक्वायरमेंट रहती है कि उनके घर में एक इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड आए, जिसे कि वो नए नए ट्रिक सिखा सकें। क्योंकि छोटी डॉग ब्रीड है, नई नई ट्रिक करती हुई भी काफ़ी अच्छी लगेगी लोगों के आगे, जैसे कि नमस्ते हो गया या फिर सेट डाउन कमांड के ऊपर रिएक्ट करती हुई काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगेगी। ना कि आपके पास एक ऐसी डॉग ब्रीड हो जो कि रिएक्ट ही ना करे, आप कुछ भी बोलो वो घर में हांड रहा है ऐसी, तो वो चीज़ काफ़ी ज़्यादा मैटर कर जाती है। तो हाँ, मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मिनिएचर पिंचर काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट डॉग ब्रीड है, ईजी टू ट्रेन डॉग ब्रीड है। आप इसे घर में भी ट्रेनिंग दे सकते हो। हाँ, थोड़े से ज़्यादा नोटोरियस टाइप के भी डॉग ब्रीड रहते हैं ये, कि बच्चों के साथ ज़्यादा खेलना कूदना पसंद करेंगे, घर में थोड़ा सा मतलब जैसे चुलबुलापन होता है ना, वो चीज़ आपके घर में बना के रखेंगे। डोबरमैन का मिनिएचर वर्जन भी इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये गार्ड डॉग का काम तो नहीं, वॉच डॉग का काम बखूबी कर लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा एक्टिव डॉग ब्रीड है, घर में उछल कूद के इनकी एक्सरसाइज की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। अदरवाइज़ अगर आप बाहर लेके जाओ तो शॉर्ट वॉक पे लेके जाना, इन्हें ज़्यादा लंबी वॉक पे लेके जाने की आपको ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप लोगों को पता चल गया, ये घर में ही अपनी एनर्जी बर्न कर सकते हैं, इसी के चलते स्मॉल अपार्टमेंट्स के लिए भी काफ़ी ज़्यादा सूटेबल डॉग ब्रीड है। अगर आप एक स्मॉल अपार्टमेंट के लिए डॉग ब्रीड देख रहे हो जिसकी ग्रूमिंग कम हो, जिसे कि आप इजीली रख सको, लो मेंटेनेंस की डॉग ब्रीड हो, तो मिनिएचर पिंचर आप लोगों के लिए एक अच्छी चॉइस साबित हो सकते हैं। ये डॉग ब्रीड बच्चों के साथ भी काफ़ी अच्छे तरीके से रहेंगे, बच्चों के साथ खेलना कूदना काफ़ी ज़्यादा पसंद करती है, काफ़ी ज़्यादा जंपिंग इन्हें पसंद है कि ये उछलना कूदेंगे घर में ही, कभी बेड पर चढ़ रहे हैं कभी सोफे पर कूद रहे हैं, ये चीज़ इनकी रहेगी रहेगी, आप ये चीज़ का ध्यान रखना। बाकी ये थोड़ा बार्क भी कर सकते हैं, अगर घर में कहीं से शोर आ रहा है रात के टाइम तो हल्के हल्के नॉइज़ पे भी ये बार्क करके आपको चौकन्ना कर देंगे। काफ़ी ज़्यादा अच्छी डॉग ब्रीड है अगर आप ऐसा वॉच डॉग भी रख रहे हो तो। बड़े जो एडल्ट लोग हैं आपके घर में, आपके फादर मदर, उनके साथ भी अच्छे तरीके से रहेंगे, उनके लिए भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे अगर आप घर में छोड़ते हो तो। एज लोगों के साथ भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, अच्छे तरीके से रहेंगे, समझदार डॉग ब्रीड होती है बेसिकली। मैं आप लोगों को बताऊं तो हॉट क्लाइमेट में आप इन्हें इजीली रख सकते हो, ठंड के टाइम पे आपको थोड़ा इन्हें ध्यान देना पड़ेगा, लेकिन गर्मियों के टाइम भी आप इन्हें इंडोर रखो तो काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगा। इन्हें मतलब अगर आप पंखा या फिर कूलर में भी रखोगे तो भी चल जाएगा, इन्हें ज़्यादा गर्मी नहीं लगती। लेकिन हाँ, अगर आप बाहर धूप में रखते हो दिन के टाइम पे अपने डॉग खुले में, अगर आपका बड़ा घर है तो बाहर छोड़ रखा है, तो इन्हें हीट स्ट्रोक लगने के चांसेस रह जाते हैं, तो आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें। बाकी इनकी मेंटेनेंस आपको काफ़ी कम पड़ेगी, ग्रूमिंग भी इनकी काफ़ी कम हो जाती है, जिसके चलते इनका एक्सपेंस काफ़ी ज़्यादा लो हो जाता है। इनकी डाइट भी ज़्यादा नहीं होती, तो आप इन्हें ईजिली रख भी सकते हो। बाकी ये डॉग ब्रीड को आप अगर बड़े घर में भी रखते हो तो भी आप ईजिली रख सकते हो, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी इस डॉग ब्रीड को रखते हुए। अब हम बात कर लेते हैं इनके प्राइस की, क्या इनका प्राइस कितना होता है। इनका प्राइस जो होता है वो वैरी करता रहता है मार्केट के अंदर, लेकिन आपको इनके पप्पी हमेशा 14,000 प्लस से ही मिलेंगे। 14,000 के अंडर चांसेस ये होते हैं कि आपको मिल भी जाए ना भी मिलें, तो आप 14,000 प्लस का ही एक लेके चलना क्राइटेरिया। अगर आप एक मिनिएचर पिंचर पालना चाह रहे हो तो आपको 14,000 प्लस से ही आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप मिनिएचर पिंचर को ले सको। और अगर हम लोग बात करते हैं कि इन डॉग को सोशलाइज कराने की ज़रूरत है, इनमें एग्रेशन कितना होता है, बच्चों के लिए ये अगर बच्चों के साथ रखोगे तो काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली रहेंगी, कोई भी मतलब ऐसा नहीं एग्रेशन शो करेंगे बच्चों के लिए, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। लेकिन प्रॉब्लम वहाँ पे क्रिएट हो जाती है जब लोग मिनिएचर पिंचर को लेके खाली घर में बंद करके रख लेते हैं, ना कि दूसरे डॉग्स के साथ मिलने देते। तो इस केस में अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा है, उनके साथ कोई पैट आ रहा है उनका, या फिर आप इन फ्यूचर कोई और पैट ऐड करते हो, तो आपके डॉग में एग्रेशन के चांसेस देखने को मिल जाएंगे अगर आप इसे सोशलाइज ना कराओ तो। अगर आप प्रॉपर सोशलाइज करा रहे हो अपने पपी को, जब पपी आया था, तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी। घर में ही आप लोगों के साथ सोशलाइज करा सकते हो, अपने दोस्त के पास कोई एनिमल है या फिर कोई डॉग है, आप उसे बोल सकते हो कि तू अपना डॉग ले आ, हमारे दोनों डॉग साथ में खेल लेंगे, या फिर वॉक पे ले जाओ, आप पार्क में छोड़ दो थोड़ी देर, ये वहाँ पे अपनी एनर्जी ईजिली बर्न कर लेंगे। तो ये चीज़ है, मिनिएचर पिंचर काफ़ी ज़्यादा अच्छी डॉग ब्रीड है अगर मैं अपनी तरफ से बताऊँ तो। आप इन्हें ईजिली रख सकते हो, और यही बात है कि ये इंटेलिजेंट होते हैं और काफ़ी ज़्यादा समझदार डॉग ब्रीड है, जिसके चलते ही इसे मिनिएचर डोबरमैन भी कहते हैं। तो आप लोग बताना ये डॉग ब्रीड आपको कैसी लगी, और जिन लोगों का शौक होता है डोबरमैन पालने का लेकिन उनके पास इतना स्पेस नहीं होता, या फिर वो इतनी ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर सकते अपने डॉग के साथ कि उसे वॉक पे लंबी लंबी वॉक पे लेके जाएं या एक्सरसाइज करवाएं, तो उनके लिए काफ़ी अच्छी ज़्यादा चॉइस साबित हो सकती है मिनिएचर पिंचर। बाकी आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना आपको ये डॉग ब्रीड कैसी लगी, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना अगर आप लोगों ने अब तक नहीं कराया तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।